हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है। आज के वीडियो में आपने टाइटल भी देख लिया है तो एक्सपेक्ट आप कर रहे होंगे कि शिमला से हम मनाली तक जाएंगे। तो देखिए, ये पूरा वीडियो तो कवर नहीं कर सकता मैं, लेकिन बीच बीच में जो एरियाज आपको दिखते हैं, किस तरह का रोड रहता है, वो सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारा जो है सफ़र रहा है। तो स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो चैनल में हम ऐसी चीज़ें कवर करते हैं जो हिमाचल के बारे में होती हैं। हम अपने सफ़र को कवर करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमने अलग अलग जो एरियाज हैं वो विज़िट किया और किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी जो है शिमला से हम निकल पड़े। तो ये देखिए, आपको एक बात तो जान लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि शिमला के स्पेसिफिकली शिमला का जो मौसम है, जो शिमला का मौसम रहता है, यहाँ पे कभी भी बारिश पड़ सकती है, कभी भी रेनफॉल हो सकता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहता है यहाँ का मौसम। और वो इसलिए क्योंकि बहुत हाई इलाका जो है ये माना गया है और वहाँ पे क्लाउड कभी भी जो है इकट्ठे हो के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में वो रेन इंड्यूस कर सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड आपको जो है मौसम रहेगा, तो अपने पास छाता ज़रूर रखें अगर आप शिमला विजिट करें। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग जो है विज़िट करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ आप देखेंगे। और तीसरी बात कि आपको जो है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बहरहाल अभी हम शिमला से जा रहे हैं कुल्लू मनाली की तरफ हम जाएंगे। सफ़र का आप आनंद उठाइए, जगह को आप देखिए। तो शिमला जैसे आप जाते हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ जो हैं वो छोटे छोटे होते जाते हैं। रीज़न यही है कि हम बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ था कि बारिश शुरू हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी और कहीं भी बारिश हो सकती है। और गाड़ी के बारे में बता दूँ मैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखे हैं तो हम लोग विटारा ब्रीजा में सफ़र करते हैं। और सच में बता दूँ मैं, हिली एरियाज़ में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इस पर्टिकुलर व्हीकल के साथ। पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलेगा, कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़िया जो है हमारा सफ़र रहता है। और जब भी हम प्लान करते हैं सोलन टू शिमला टू मनाली, और कभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही मुश्किल सफ़र होने वाला है, बिल्कुल सफ़र आनंदमय सफ़र रहता है। तो देखिए, कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ से सफ़र रहेगा। आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको छोटे छोटे जो हिल्स हैं वो देखेंगे। अभी बारिश हो रही है तो बादलों से सब ढका पड़ा है और देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट था। बारिश की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शिमला की तरफ आप जाएंगे तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक बार हम इसी तरह से मनाली से शिमला की तरफ आ रहे थे और हमें शाम हो गई, क्योंकि यूजुअली हम अपना प्लान सफ़र जो करते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं, और पहुँचते पहुँचते आपको इवनिंग हो जाती है। और वहाँ पे जो है बारिश शुरू हो गई थी और एक जगह है टूटू के आसपास, इतनी जो है वो धुंध हमें दिखी कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी। और ये शाम की बात है, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अपना जो प्लान करें सफ़र, इस तरह से करें अर्ली मॉर्निंग आप चल सकते हैं और अच्छे से पहुंचेंगे। बहरहाल अभी तो हम शिमला से निकल पड़े हैं और वादियां देखें, खूबसूरत नज़ारे देखिए। आपका सफ़र आप इस तरह से करेंगे ना तो आपका मन करेगा दो दो मिनट के बाद रुकें और चाय का आनंद उठाएँ, पकौड़ों का आनंद उठाएँ। और आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, आप कहीं भी गाड़ी रोकिए, थोड़ी देर अपना मौसम का मज़ा उठाइए और फिर अपने सफ़र पे चल दीजिए। तो ट्रैफिक जो है इस तरह का रहेगा, इसी तरह की जो है गाड़ियाँ आपको मिलेगी। और देखिए, पहाड़ों का जो एक एनवायरनमेंट है, एक अलग सी फीलिंग है वो आपको दिखेगी। और उनके बीच में जब आप बादलों को देखेंगे, स्पेशली बारिश हो रही है, तो वो एनवायरनमेंट आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
इसी के लिए, उसी क्लीन एयर के लिए, इसी अच्छे एनवायरनमेंट के लिए शिमला, मनाली, कुल्लू में लोग दूर दूर से आते हैं। और अपनी तरफ से मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हम लोग तो पले बड़े हैं मनाली में, मेरा जन्म हुआ है मनाली से ही, मैं बिलोंग करता हूं, और हमारी एजुकेशन जो है वो भी शिमला से हुई है। तो ये जो एरिया है इसी में ही हमारा पूरा जीवन रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे इलाके के जो हिमाचल के जो लोग हैं, उस तरह के लोग आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिलेंगे। खासियत है हिमाचल के लोगों की ये है, एक तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल आपके साथ रहते हैं क्योंकि वो नेचर में ही है, और दूसरा अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ और भी दुगना अच्छे से बिहेव करेंगे। ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो बाहर से आते हैं, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा बिहेव होगा। और तीसरा जो है हॉस्पिटैलिटी, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से कि जिस तरह से आप उन्हीं के ही घर के मेंबर हैं। अगर गलती से थोड़ी बहुत रिश्तेदारी अगर निकल गई, जान पहचान अगर कहीं से निकल गई कि आपका जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ से हैं, तो बस तो आप तो समझ लीजिए कि अपने घर में ही पहुँच गए। कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, इस तरह से लोग रहते हैं। और कभी भी आप हिचकिचाइएगा मत कि किसी से आप बात करें वो आपको निगलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस होंगी, स्पेशली उन लोगों के साथ जो डे टू डे बेसिस पे टूरिस्ट के साथ डील करते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है, लेकिन जनरल जो नेचर रहता है वो ऐसे ही रहता है। कोई भी आपको रूडली आपके साथ कोई बिहेव नहीं होगा, रूडली आपके साथ कोई बात नहीं करेगा, वो नेचर में ही ऐसा है। डाउन टू अर्थ लोग हैं, दिल के बिल्कुल साफ भोले लोग, खुश रहते हैं अपने जीवन में, थोड़े में ही खुश रहते हैं। ये कुछ खासियत है। और जब भी आप सफ़र करने आएँ तो ये बात ध्यान में रखें कि उनको जो है आप अच्छे से उनके साथ बात करें। बस अगर आप उनके साथ अच्छे से बात करेंगे वो आपके साथ डबल अच्छे से बात करेंगे, अगर आप उनके साथ बुरे से बात करेंगे तब भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो तब भी आपको कुछ नहीं कहेंगे और अवॉइड करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने कह भी दी। तो ये देखिए, सफ़र अगर बारिश में आप करेंगे तो गाड़ी की हालत तो ऐसे होने वाली है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हालत हो गई थी, और अभी हम सुंदरनगर में रुके थे, सुंदरनगर पहुँच चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में कट करता रहता हूँ। देखिए नंबर अभी टेम्परेरी नंबर हिमाचल का था, लेकिन इस गाड़ी में सफ़र करने का जितना हमने इंजॉय किया है, हमारी फैमिली, हम लोग जो है ये बहुत ट्रैवल करते हैं शिमला, सोलन, मनाली, कुल्लू, मनाली, क्योंकि हमारा घर ही मनाली में है, तो और ये सफ़र बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो देखिए गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ये तो आप मान के चलिए, आपके पास वाइट कलर की कार है तो ब्राउन हो जाएगी वो। तो ये हम लोग सुंदरनगर में रुकते हैं, जहाँ पे आप बहुत बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं। एक देखिए, इसको देख के मेरे को एक ही दुख होता है कि कितना लेक के साथ में कचरा फेंका हुआ है। तो अगर आप ऐसे आते हैं, एक खूबसूरत व्यू आपके सामने है, फिर आप वहाँ पे डंपिंग करते हैं, बहुत बुरा लगता है और बहुत ही हर्ट होता है। एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है ये, हमारे लिए कितना बुरा है, और ये जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। स्पेशली प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो इस तरह से हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तो ये देखिए कुल्लू हम पहुँच चुके हैं, हमने जो मंडी वाला सफ़र तय किया था वो बहुत ही ख़राब रोड है, वो हमने अलग वीडियो में कवर किया था। तो हम देखिए कुल्लू का, अब रात इतनी हो गई थी कि अब देखना भी मुश्किल हो गया है। तो इतना जो है टाइम लग जाता है आपको, हम लोग 12 बजे चले थे, तो इसी तरह से काफ़ी रात में पहुँचते हैं, तो ये कुल्लू आपको रात को इस तरह से कुछ दिखता है, और बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा होता है जब भी हम कुल्लू पहुंचते हैं। तो उसके बाद तो थोड़े ही टाइम में मनाली पहुंच जाते हैं, हरिपुर जो हाँ हमारा घर है वहां पे पहुंचते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा सफ़र अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से बने रहिए, और मिलेंगे आपको आपके साथ अगले वीडियो में। बहुत सारी बातें जो आपके साथ शेयर करनी वो करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।